नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। SSC GD की नई जो भर्ती है वो आपकी 2023 के अंतर्गत ही कराई जाएगी। और इसमें जो आपका भर्ती है वो कब आने वाली है, आपका एग्जाम कब कंडक्ट होगा, आपको कितना टाइम मिलने जा रहा है, तो उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ऑफिशियल अपडेट आपको दी जा रही है। और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका SSC GD का जो टेंटेटिव आपका कैलेंडर होता है वो आपका अपडेट हुआ है। और ये आपका 30 तारीख को ही अपडेट हुआ था। आप जाएंगे नीचे की साइड पे, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए 30/8/2023, ये 30 को आपका अपडेट हुआ था। तो आज 1 तारीख है और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी में जितने भी अपडेट होने थे वो आपके यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो SSC GD की जो भर्ती हो रही थी वो इसका आपका मेडिकल भी हो चुका है इसका। तो ये आपकी यहाँ पे थी। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो इसके सबसे लास्ट में अगर चले जाएंगे कैलेंडर के, तो यहाँ पर आपको फिर से SSC GD की एक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। देखिए लिखा हुआ है कॉन्स्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म पोस्ट फोर्स CAPFS एंड NIA SSF राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका आएगा 24 नवंबर 2023 को। यानी 24 नवंबर 2023 को आएगा इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट होने वाला है वो 28 दिसंबर 2023 होगा। और इसका जो एग्जाम होगा वो फरवरी और मार्च के बीच में आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा। तो इन दोनों के मंथ के बीच में आपका करा जाएगा। तो आज आपके पास, अभी आप सेप्टेम्बर में हो, सेप्टेम्बर के बाद आपका आ जाएगा अक्टूबर, आ जाएगा अक्टूबर के बाद आपका नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे फरवरी के में तो ये स्टार्ट हो जाएगा, मिडिल फरवरी के लगभग। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और लगभग आपके पास 5.5 मंथ हैं। यानी आपके पास 5.5 मंथ हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तभी आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप जितने भी लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, जिनकी भी एज इस क्राइटेरिया के अंदर आती है। देखिए जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए आपकी जो एज मांगी जाती है वो 18 से 23 मांगी जाती है। और यहाँ पे जो OBC कैंडिडेट होते हैं, OBC कैंडिडेट को आपको यहाँ पे 3 साल की छूट मिल जाती है, तो ये 26 साल के हो जाते हैं। और SC ST जो भी कैंडिडेट हैं वो, उनको भी यहाँ पे 3 साल की छूट मिलती है, तो वो भी यहाँ पे 26 साल तक के लिए काउंट करे जाते हैं। क्योंकि ये सेंटर से आपकी भर्ती होती है तो यहाँ पर ये आपकी एज क्राइटेरिया रहती है। और इसकी जो एज मांगी जाएगी वो आपकी 23 में ही मांगी जाएगी, 1 जुलाई 2023 ही मांगी जाएगी, क्योंकि ये इस साल में ही आ रही है, तो यहीं पर आपकी एज मांगी जाएगी। तो यहाँ पर अपनी एज काउंट कर लीजिए, अगर आपकी एज इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दे दी है। और आप पूरा यहाँ पे कैलेंडर देख सकते हैं, ये आपका पूरा कैलेंडर अपडेट हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी इसके रिगार्डिंग में, सभी आपको अपडेट देते रहेंगे पल टू पल की। तो आप पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।